गाइस आज के वीडियो में आपको तीन ऐसे स्किन वार्ड की क्रीम बताने वाला जो कि आपके चेहरे को गोरा करेगी, आपके स्किन टोन की इम्प्रूव करेगी। अगर आप इन क्रीम को इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, आपका स्किन टोन इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी क्रीम चेहरे को गोरा करती है कौन सी नहीं, तो आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ एंड तक देखें। तो गाइस यहाँ पे नंबर वन क्रीम का नाम है विम्स मतलब ब्यूटी क्रीम, जो कि एक प्रकार की स्किन वाइटनिंग क्रीम है। यह आपको 30 ग्राम का जो पैक है आपको 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। गाइस ए जी क्रीम ना आपके चेहरे के लिए बिल्कुल सेफ है और ए जी क्रीम है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, वहाँ से ना आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्रीम के बारे में जो कि गोरी क्रीम। गाइस गोरी क्रीम में ना दो टाइप की क्रीम आती है, एक आती है गोरी डे नाइट क्रीम और एक आती है गोरी ब्यूटी क्रीम, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जो क्रीम होती है ना अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है। अगर आपकी स्किन ऑयल है सेंसिविटी है तो आप गोरी डे नाइट क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो आप गोरी ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। और यह आपको 30 ग्राम का जो पैक है गोरी डे नाइट क्रीम का 450 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और ब्यूटी का जो 30 ग्राम का जो पैक है आपको 350 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। अब बात करते हैं थर्ड क्रीम के बारे में जो कि है आउकोडा एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम, जो कि एक प्रकार की नेचुरल क्रीम है और आपके चेहरे के लिए बिल्कुल सेफ है। क्योंकि बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं कि आप हमें कोई ऐसी क्रीम बता दीजिए जो कि हमारे चेहरे को नेचुरल तरीके से गोरा करे, हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव करे। हमने बहुत सारी क्रीम ट्राई की है तब भी हमको रिजल्ट नहीं मिला है। तो गाइस आप इन्हें आउकोडा क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। रेजू क्रीम है आयुर्वेदिक क्रीम, इसमें सा कोई भी केमिकल्स नहीं जो कि आपके स्किन के लिए हानिकारक हो या आपके स्किन के लिए नुकसानदायक हो। और ये भी आपको 50 ग्राम पर आया कि आपको 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। और ये भी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी स्किन गोरी होती है, आपका चेहरा फेयर होता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा सावलापन आ चुका है या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेनिंग आ रखी है तो आप इन तीनों में से कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो आउकोडा क्रीम है नेचुरल क्रीम है, और गोरी क्रीम और विम्सक क्रीम है थोड़ी कॉस्मेटिक क्रीम है। केमिकल की बात की जाए तो गोरी क्रीम और विम्सक क्रीम में थोड़ी केमिकल ज़्यादा है, बट आउकोडा जो क्रीम है पूरी तरह से नेचुरल है। अगर आप नेचुरल क्रीम से अपनी स्किन को गोरा करना चाहते हो तो आप आउकोडा क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप गोरी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी क्रीम आपके स्किन के लिए अच्छी होती है कौन सी नहीं, आप उनको भी उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। गाइस अगर आप नेचुरल क्रीम इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट थोड़ा स्लो देखने को मिलता है, जो कॉस्मेटिक जो क्रीम होती है ना उसका रिजल्ट आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आपका चेहरा बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो आप आउकोडा क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। ये जो क्रीम है आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी कुछ इन क्रीम के बारे में नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन ओके, बाय।